तो दोस्तों, अक्षय कुमार के फैंस के लिए दो गुड न्यूज़ बैक टू बैक आई हैं। बेल बॉटम के बाद अतरंगी रे की भी रिलीज डेट सामने आ गई है। दोनों फिल्में इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली हैं। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष स्टारर फिल्म अतरंगी रे के मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को जारी कर दिया है। ये फिल्म 6 अगस्त 2021 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। फिल्म में पहली बार दर्शक अक्षय, सारा अली खान, धनुष के बीच एक लव ट्राइंगल देखेंगे। फिल्म अतरंगी रे मार्च 2020 में फ्लोर पर आ गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते इसे रोकना पड़ा। इसके बाद फिल्म की टीम ने दिसंबर 2020 में एक बार फिर शूटिंग शुरू कर दी थी और नए साल के मौके पर शूटिंग पूरी कर दी थी। इस फिल्म के निर्माता भूषण कुमार हैं। फिल्म की कहानी बेहद रोमांटिक है। एक नए पोस्टर को शेयर करते हुए सारा अली खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अतरंगी रे की नई डिटेल्स को फैंस के साथ शेयर किया है। फिल्म को निर्देशित आनंद एल रॉय ने किया है। आनंद एल रॉय की आखिरी बार शाहरुख खान और अनुष्का के साथ जीरो बनाई थी। फिल्म अतरंगी रे पहले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ होनी थी। यह पहला मौका होगा जब धनुष और सारा अली खान एक साथ फिल्म में नज़र आएंगे। बताया जा रहा है कि सारा अली खान का फिल्म में डबल रोल है और अक्षय कुमार फिल्म में कैमियो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कैसी जाएगी? ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चला गया है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगता है कि ये फिल्म कैसी जाएगी? क्या ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह दर्शकों के दिलों में राज कर पाएगी या नहीं? ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप अपना कमेंट या अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।